बाहर से सीख के आने का, सीख के आना चाहिए। अगर मैं दुनिया से बाहर न जाता तो शायद मैं रिवर फ्रंट नहीं बना पाता, क्योंकि मैंने दुनिया के अच्छी से अच्छी जगह देखे। कि दुनिया के बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले, जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं दावा किया है, उनको वर्चुअल रैली और एक्चुअल रैली का अंतर नहीं मालूम है। आखिर दुनिया से बाहर होने का कुछ तो तेज विशिष्ट रूप दिखाई देना चाहिए। वैसे लैपटॉप को लेकर योगी पर तंज कसने वाले अखिलेश जी कितने बड़े ज्ञानी, आधुनिक, सुसभ्य, प्रगतिशील और जात पात मजहबी राजनीति से दूर रहने वाले नेता हैं, यह आप उनके बयानों को सिलसिलेवार सुनकर तय कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे, तो जो लोग आ गए वो आ गए। सत्ता बदलने पर मोदी समर्थकों को खुलेआम धमकाने वाले, प्रेस वार्ता में पत्रकारों को अपना जूता समझने वाले अखिलेश जी अभी साम दाम दंड भेद सब कर रहे, लेकिन विधि का विधान ऐसा कि उनका अपना ही कुनबा नहीं बच पा रहा। अपर्णा यादव जी ने राष्ट्रवाद का राग गाते हुए भाजपा को चुन लिया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। बीते 2-3 महीनों और हाल की राजनीतिक उठापटक को देखें तो पता चलता है कि अखिलेश जी को कभी भगवान कृष्ण सपने में दिखाई देते हैं तो कभी भगवान परशुराम का ध्यान कर वह फरसा उठा लेते हैं। वहां भी नियति ऐसी कि अपने फरसे से कभी 21 दुर्धर्ष युद्ध जीतने वाले परशुराम उन्हें नहीं स्वीकारते, उनका फरसा अखिलेश जी का संस्पर्श पाकर ही ढह जाता है। तब अखिलेश जी आगे बढ़कर कहते हैं कि हम तो जात पात जानते ही नहीं, कभी जाति पाति की ही नहीं। जात पात और भाई भतीजावाद के साथ मुल्लावाद को हटा दें तो समाजवादी पार्टी शून्य पर आकर ठहर जाए। पूरी राजनीतिक विरासत ही जात पात और भाई भतीजावाद की है, लेकिन अब उसमें भी सेंध लगने लगी है, घर टूट रहा है, राष्ट्रवाद ने वहां एक रास्ता बना लिया है। अब अखिलेश जी के पास कौन से हथियार बचते हैं? एक अमोघ अस्त्र मुफ्तखोरी के प्रलोभन का है, इसीलिए बिजली मुफ्त देने का पासा उन्होंने चल दिया है। लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के 80% क्षेत्र हर दिन घंटों राग दीपक सुना करते थे। बिजली तो किसी स्वप्न सुंदरी से आती थी, अब वे फिर से स्वप्न सुंदरी का प्रलोभन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अगर अपने भाग्य का गला स्वयं घोटना चाहेगी तभी समाजवादी शिरोमणि पुत्र पुनः गद्दी पावेंगे, अन्यथा राजनीतिक रद्दी होकर रह जाएंगे। तब तय यूपी की जनता को करना है कि वह क्या चाहती है।